महीने पहले दिन दहाड़े 20 से 25 वर्ष की आयु के 3 अज्ञात नकाबपोशधारी युवक यहाँ के एक व्यापारी विनोद कुमार अग्रवाल के घर में घुसकर वहाँ मौजूद उनकी पत्नी और बेटी से पिस्तौल की नोक पर करीब 50,000 और एक मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए थे। लूट की यह पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करके पीड़ितों के बयान दर्ज किए थे और पीड़ितों के बयानों के आधार पर 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने लुटेरों की पहचान के लिए लुटेरों के चित्र भी जारी किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। एलनाबाद के डीएसपी जगत सिंह मौन ने आज अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए एलनाबाद के एसएचओ जितेंद्र सिंह व उनकी टीम, सिरसा सीआईए की टीम व एलनाबाद की मीडिया का धन्यवाद किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 9 फरवरी को दोपहर को करीब 1:30 बजे के आसपास विनोद कुमार सरोव ओम प्रकाश हैं, यहाँ वार्ड नंबर आपके 10 में लड्डावाड़ी गली में। उनके घर में 3 लड़के आए और अंदर जाके उनकी बिटिया को, छवि को कापा उल्टा करके चोट भी मारी और पैसे का बैग ले गए जिसमें 40,000 रुपये थे। उसमें 2 लड़के अंदर गए थे, उसमें नानक और गुरुसेवक और एक लड़का हैप्पी नाम का जो उसके बाहर रह गया था। उसके बाद लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज से और टेक्निकल एविडेंस से, सीआईए की टीम का, साइबर का, बार बार एसपी साहब के मार्गदर्शन में एसएचओ एलनाबाद और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके कल शाम को उनमें से 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक का नाम नानक है, नानक पुत्र गुलजार, यहीं वार्ड नंबर 1 एलनाबाद का आपका, और दूसरा सुनील उर्फ रिंकू है, वो भी यहीं का है, देवीलाल चौक के पास किसी किराने दुकान पर नौकरी करता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसने दी थी, प्लान भी उसने बना के तीन को भेजा था। पहले दिन भी 9:30 बजे चेक करने आए थे उसके घर को, उस दिन ये कामयाब नहीं हो सके। अगले दिन उन्होंने वारदात की, उसके बाद हमारी पुलिस एसएचओ एलनाबाद के नेतृत्व में इनकी टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और उनके शनाख्त करवाने के लिए जो फोटो आए थे उसमें लगे हुए थे, तो कल इनको उसमें कामयाबी मिली। शाम ने उसमें 2 आदमी राउंड अप किए हैं। एसपी साहब इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, हर रोज़ इसके बारे में कोई ना कोई नई डायरेक्शन देते थे, मार्गदर्शन के करते थे, उसके अनुसार हम इसमें कामयाब हुए गिरफ्तार करने में। ऐसे चौरनाबाद की टीम इसमें बधाई की पात्र है विशेष तौर से, और आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया, कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे भी हमें मिली, आपका भी धन्यवाद करते हैं हम इसमें। सर कुछ बरामद भी किया है? देखिए, आप ये गिरफ्तार किए हाथ कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, और रिमांड के दौरान क्या क्या तथ्य और आते हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे। 2 लड़के जो आपने बताए हैं गिरफ्तार किए, कहाँ से गिरफ्तार किए हैं? टीपी अड्डा से किया, एक तो नानक नाम का लड़का जो है, और दूसरा देवलाल चौक के पास से गिरफ्तार किया नानक के बताने के बाद। पहले हमने नानक को कराया, उसके बाद इसको दूसरे को कराया, सुनील और रिंकू को। तो आपने नानक और सुनील बताए हैं, उनका जैसे पुराना रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल टाइप के हैं या कोई सामान्य? अब चेक करेंगे ना उनका सारा, रिमांड के दौरान सारी बातें जो तथ्य नए सामने आएंगे आपसे शेयर करेंगे बाद में। जो तीसरा जो पंजाब का बता रहे हैं वो कहाँ का है उनके? वो एक नानकपुरा का है, गुरुसेवक नाम का लड़का है, नानकपुरा है मलोट के पास कोई जगह, वो वहाँ का है, और एक हैप्पी भी यहीं का है, उनको भी हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे। अभी हमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। जो इनकी बाइक थी सर, वो बाइक आपने अभी बरामद की है या वो? नहीं, बाइक अभी बरामद नहीं हुई है, वो भी बरामद करेंगे। 4 लोग हैं क्या इस बार? एक प्लान बनाने वाला है, 3 मौके बनाने वाले हैं। प्लान बनाने वाला हमने गिरफ्तार कर लिया, जो रिंकू है उसने प्लान तैयार की, उसने बनाई, और नानक के जो अंदर गया था एक वो गिरफ्तार कर लिया, जिसने उसको विनोद कुमार की बेटी को कापा उठा करके हाथ पे चोट मारी थी, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। तो कोर्ट में आज इनको आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद जो अनुसंधान में और तथ्य आएंगे वो आपसे शेयर करेंगे आगे।